आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। संक्रमण से बचाने के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का शुरू हुआ टीकाकरण। भगवा में हुए गोरखपुर बाजार में योगी और मोदी टी शर्ट गायब, भगवा अबीर भी हुआ महंगा। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में आबकारी टीम ने 10 किलोग्राम लहन नष्ट करने के साथ तोड़ी कच्ची शराब की 20 भट्टियां। पत्नी ही निकली हत्यारन, आशिक गिरफ्तार, एक फरार। और सिद्धार्थनगर जनपद में नवनिर्वाचित सदर विधायक श्याम धानी राही का हुआ जोरदार स्वागत। अब सत्य घटना विस्तार। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अब 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का भी टीकाकरण आज से शुरू हो गया। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आज CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया गया। इस संबंध में बच्चों ने कहा कि टीका लगवाकर उन्हें कोरोना से बचाव में आसानी होगी। आधी लगी है? नहीं, सही है, ये हमारे लिए बहुत ही सही है। कोरोना सोचने के लिए बहुत बढ़िया है। हमको घर में सुरक्षित रहना है, थोड़ा घूमना फिरना नहीं है, घर में ही रहना है। भगवा में हो रहा है गोरखपुर रंगों के त्योहार होली को लेकर हर तरफ उत्साह है। गोरखपुर में भी रंगों का पर्व होली 19 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसे में गोरखपुर के रंग बाजारों से भगवा कलर, योगी मोदी टी शर्ट, टोपी गायब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि एक बार फिर BJP ने अपना परचम लहराया है और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ भगवा में हो गया है। इस बार की बिक्री से दुकानदार जहां खुश हैं, वहीं ग्राहकों में भी उत्साह है। दुकानदारों और ग्राहकों से बात की अमेज नाउ संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने। होली का त्योहार हो, रंगों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अबीर गुलाल के साथ रंग होली की को चार चांद लगा देते हैं, लेकिन गोरखपुर में इस बार की होली कुछ अलग है। विधानसभा चुनाव के कारण इस बार होली में लोगों को भगवा का रंग चढ़ गया है। मोदी योगी टी शर्ट हो, चाहे मोदी योगी टोपी हो, या फिर भगवा रंग का गुलाल हो, गोरखपुर के मार्केट में इसका पूरी तरह से मांग बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखिए आपका नाम क्या है? आजम। आजम भाई, टोपी आपने तो भगवा कलर की लगाई है, कलर भी लगाया है, क्या रंग से और गुलाल तो कोई फर्क नहीं होता है। त्योहार को भाई सब मनाता है, त्योहार का मजा लेते हैं, लेकिन इस बार भगवा रंग चढ़ाए हुए हैं, वैसे तो लाल रंग चढ़ता है। खुशी का माहौल है, दोस्त यार खोद दिया है। तो मानते हैं कि जिस तरह से भगवा इस समय चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर भी उसकी खुमारी है। चारों तरफ देख रहा हूँ मार्केट से भगवा रंग गायब हो गया है, टोपी गायब हो गई, टी शर्ट गायब हो गया, कुछ बची है जो आप लोगों ने लगाई है। तो मान रहे हैं कि भगवा आप लोगों के ऊपर भी हावी हो गया है, तो कहा जा सकता है कि हिंदू हो मुस्लिम हो, ये रंगों का त्योहार है। लोग कह रहे हैं रंग है, भले ही किसी कलर का हो, लेकिन चूंकि इस बार भगवा रंग जो है वो सबकी पहली पसंद बना हुआ, क्या कहना चाहे? भगवा भी लगाए हैं, भगवा भी ओढ़े हैं। भगवा एकदम डिमांड है उसकी काफी, बहुत ज्यादा योगी मोदी टी शर्ट की और ये गमछे की टी शर्ट आई थी योगी मोदी की, वो खत्म हो चुकी है जैसे कि, और केसरिया रंग का बहुत ही ज्यादा डिमांड है इस बार। बिल्कुल रंग इस बार छाया हुआ है, बिल्कुल छाया हुआ, मार्केट में बिल्कुल बचा नहीं है किसी भी दुकान पे। मनोज तिवारी का गाना भगवा रंग छाने लगा है पूरी तरह से गोरखपुर के बाजार में। ये पांडे हाथा बाजार है, यहाँ देखिए मैं दुकानदार जी से बात करने चल, टोपी भी लगाए हुए हैं, गुलाल भी पोते हुए भगवा। क्यों? क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है और CM योगी का सिटी है, और CM योगी जिस सिटी में रहेंगे उसमें सिटी पूरा भगवा ही हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी भगवा रंग चढ़ने लगा है का नारा बहुत जबरदस्त था, और अभी होली आ गई है, दुगुना हो गया, क्या उत्साह? दुगुना के चौगुना हो गया भगवा रंग, CM योगी की वजह से भगवा चौगुना कर दिया। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी टोपी में, डबल इंजन की सरकार हो, जैसे नारा दिया था उसी तरह टोपी भी आ गई। डबल भगवा रंग चढ़ने लगा, मनोज तिवारी जी का जो गाना था वो गोरखपुर में साफ देखा जा रहा है। गोरखपुर के लोगों ने जहाँ
टोपी लगा रखी है, दुकानदारों ने लगा रखी है। यहाँ खरीदार जो आ रहे हैं वो भी भगवा रंग की टोपी, भगवा टी शर्ट, भगवा गुलाल, सबकी मांग ज्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे अन्य चीजों की हालांकि मांग तो है, लेकिन इस बार सबसे अधिक बिक रहा है भगवा कलर। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज़नाउ, गोरखपुर। गोरखपुर की आबकारी विभाग की टीम ने होली से पहले कच्ची शराब के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। आबकारी टीम ने राजघाट क्षेत्र के चकरा दोयम इलाके में जेसीबी लगाकर दबिश की कार्रवाई की, जिसमें लगभग 10,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है। साथ ही 20 भट्टियां भी तोड़ी गई। इतना ही नहीं, 70 लीटर शराब बरामद करने के बाद दो कारोबारियों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया गया। इस संबंध में सेक्टर 2 के आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर कच्ची शराब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध और कच्ची शराब के विरुद्ध प्रदर्शन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में जो है आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग जो है थाना राजघाट के अंतर्गत चकरा दोयम और चकरा अव्वल का एरिया है, वहाँ पे दबिश की कार्रवाई की है आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने। जेसीबी के सहयोग से वहाँ पे हम लोग करीब 10,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है, जो गड्ढों में गाड़ के रखा गया था। 20 भट्टियों को तोड़ा गया है और 70 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। बीते 7 मार्च को गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र स्थित भैसला गांव में हुए एक युवक की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। उक्त घटना का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतक राजेंद्र की हत्या उसकी पत्नी नहीं अपने प्रेमी और उसके दोस्त कमलेश के साथ मिलकर कराई थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से 50,000 नकद सहित 3 मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 8 मार्च को शाम को 3 बजे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान कराने पे वो राजेंद्र सिंह का पाया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और विवेचना की गई, तो ये विवेचना से पाया गया कि मृतक राजेंद्र सिंह की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने एक अन्य अभियुक्त के साथ मिल करके कराई है। ये अपने जो मृतक अपनी पत्नी से इसके संबंध अच्छे नहीं थे और इसकी पत्नी इससे प्रताड़ित रहती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे संपर्क करके इसने एक कमलेश नामक व्यक्ति से इसकी हत्या कराई। स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में गोरखपुर जनपद में आगामी 20 मार्च को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 27 मार्च तक चलने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने बताया कि विजेता टीम को 3,00,000 रुपए और ट्रॉफी इनाम स्वरूप दिया जाएगा। अभी एग्जैक्ट वो हमारे पास नहीं आ पाई है, इसके पीछे 2 वजह थी। पहले इनकी टीम लिस्ट आई थी जिसमें 1,500 नामी प्लेयर थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन IPL ये लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित 6th ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये लगातार हर साल जो है आयोजित किया जाता है। ये 8 टीमों को हम लोग लीग बेसिस पे बुलाते हैं, जो इंडिया की टॉप की टीमें होती हैं। ये 20 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च को इसका फाइनल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा। गोरखपुर की साइबर सेल टीम ने फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर आपत्तिजनक फोटो व अश्लील पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभास सिंह ने कहा कि फेसबुक के माध्यम से दोस्ती होने के बाद युवक महिला मित्र से शादी का दबाव बना रहा था। युवती ने जब इसके लिए मना किया तो युवक ने उसकी फर्जी आपत्तिजनक फोटो व पोस्ट बनाकर उसे बदनाम करने की साजिश की। महिला अपराधों की तरफ पुलिस की जो संजीदगी है उसके बारे में बाबा पुलिस को संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में IGRS के माध्यम से और SP क्राइम ऑफिस में एक महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। गोरखपुर के जटाशंकर इलाके में स्थित भगवान विश्वकर्मा पंचायत मंदिर का 90वां वार्षिकोत्सव आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा हवन पूजन के साथ ही भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में विश्वकर्मा पंचायत मंदिर के अध्यक्ष दयाशंकर शर्मा ने कहा कि इस मौके पर सहभोज का भी आयोजन किया गया।
चुके रचयिता विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर जटा शंकर का ये 90वां वार्षिक उत्सव है। विगत वर्ष की बात, इस वर्ष भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ 90वां वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज का कार्यक्रम 90वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब यहां पर सहभोज का कार्यक्रम किए हैं। गोरखपुर के बेतेहाता इलाके में स्थित गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में आज फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएससी तृतीय वर्ष की छात्राओं ने प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य पूनम शुक्ला ने कहा, इस तरह के आयोजन से आपसी तालमेल बनता है। महाविद्यालय की एक परंपरा रही है कि नए छात्रों का स्वागत होता है और जो पुरातन छात्र है उनका एक विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत आज हमारे महाविद्यालय में एमएससी लास्ट ईयर्स के छात्रों का फेयरवेल है और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका वेलकम पार्टी हो रहा है, जिसमें बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। संदेश ये देता है कि बच्चे मतलब इतना समय इस कॉलेज में एक व्यतीत किए हैं आपसी, और वो पढ़ लिख करके जो बाहर जाते हैं बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ा क्या लिखा, और जो आपसी प्रेम इन लोगों में रहता है कॉलेज को छोड़ते समय, एक दुख तो रहता ही है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल होने के नाते मुझे ये विश्वास रहता है कि ये बच्चे आगे जा करके अपना नाम रोशन करेंगे। जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन की तरफ से एक होटल में होली पर्व पर पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग होली के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए, साथ ही सौरभ सरकार ने भी अपना जादू बिखेरा। इस संबंध में जेसी मयंक मित्तल ने कहा कि होली पर्व को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस साल भी हमने हर साल की भांति होली का उत्सव अपने मेंबर्स के लिए बहुत धूमधाम से किया, जिसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार शिव पार्वती विवाह था, और साथ ही साथ हमने एक इंटरनेशनल फेम के जादूगर सौरभ सरकार जी को बुलाया था, जिन्होंने यहाँ पे समा बांध के रखी थी। बहुत बढ़िया जादू का शो था, जिसको मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और साथ ही साथ अंत में हमने अपने मेंबर्स के साथ अपनी जेसी भाभी अपने जेसी भाइयों के साथ होली के अवसर पे एक फूलों की होली खेली, जिसको मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। माता साहिब दरबार द्वारा रंगभरी एकादशी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के माता साहिब दरबार जटाशंकर चौराहे पर किया गया। इस मौके पर भजन के साथ ही फूलों की होली खेली गई। इस संबंध में कार्यक्रम के प्रबंधक अनुपम कुमार ने बताया कि फाल्गुन माह के एकादशी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज का दिन हम लोग पूरे समाज के साथ मिलके होली का त्यौहार मनाते हैं। इसमें हम लोग सारे शहर की सिंधी औरतें सब इकट्ठी होती हैं, और शुरू में हम लोग के माता के दरबार में आकर के पहले माता का भजन गाया जाता है, उसके बाद होली के गाने, सिंधी डांडिया और डांस वगैरह सब होता है, और सिंधी गाने जिसको लाडा कहते हैं वो भी बड़े धूमधाम से खाते हैं, और पूरी मिठाइयां बांट के हम लोग खुशियां मनाते हैं होली। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के नौकायन चौकी के अंतर्गत सर्किट हाउस के सामने रामगढ़ ताल में तैरता हुआ शव मिला। मृतक की उम्र तकरीबन 28 वर्ष अनुमान लगाया जा रहा है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड लोटन बाजार के ब्लॉक कर्मचारियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने जमकर होली मनाई। होली मिलन समारोह में कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने ब्लॉक के कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी। भारी मतों से विजय मिलने पर सिद्धार्थनगर जनपद के नव निर्वाचित सदर विधायक शांतनी राही का पहली बार लोटन ब्लॉक क्षेत्र के लोथपुरा चौराहे पर हुए आगमन पर स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय जनता ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। नव निर्वाचित सदर विधायक शांतनी राही ने जनता का आभार जताया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बृज बिहारी मिश्रा, डॉक्टर संजय कुमार शुक्ल, दृग नारायण सिंह, कृष्णदत्त त्रिपाठी, पिंगल यादव, केदारनाथ गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों से मैं बता रहा हूं, हमें एहसास नहीं हो रहा चुनाव लड़ रहा हूं। बहुत सारे पहले दिन डूबने की प्रतीक्षा करती थी,
सिद्धार्थनगर जनपद के मोहाना थाना की पुलिस ने बुधवार की सुबह क्षेत्र के सड्डा तिराहे से दो संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ सदर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी के माल की बिक्री का 20,000 रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल, एक चाकू तथा 1 किलो 349 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सुहेल उर्फ मकालू और आफ्ताब के रूप में हुई है, जिनके विरुद्ध मोहाना थाने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। थाना मोहाना पुलिस 8 दिनांक 16 मार्च को सड्डा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान चेकिंग के दौरान उनको दो संदिग्ध मिले, जिनसे पूछताछ बाद पता चला कि वो सुहेल और आफ्ताब हैं और वो चोरी के मुकदमे में वांछित भी थे। और उनके पास से तलाशी के दौरान उनके पास से 20,000 रुपया जो बकरी चुरा करके बेचने से प्राप्त हुए थे, इसके अलावा 1 किलोग्राम 349 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ है, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद हुआ है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।